इंदौर में सड़क किनारे रहने वाले लावारिस लोगों के भिक्षु केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां लावारिस बुजुर्गों को आश्रय देकर उपचार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक भिक्षुक केंद्र का संचालन नगर निगम द्वारा किया जाएगा, जहां शहर के करीब 200 भिक्षुकों के लिए भोजन, इलाज, आवास और जरूरत के मुताबिक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि भिक्षुक केंद्र बनाने के लिए फिलहाल स्थान का चयन किया जा रहा है, जिसके बाद जन सहयोग से वहाँ बिल्डिंग भी बनाई जा सकेगी, जिसके लिए सामाजिक संगठन और अन्य दानदाताओं से मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल जो भिक्षुक जिला प्रशासन के संज्ञान में आए हैं, उनका अरविंदो अस्पताल में निशुल्क इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा की जा रही हैं। एक आज पूरी बैठक ली थी, इसमें हम लोगों ने प्लानिंग की है कि कोई एक स्थान नगर निगम ले ले जहां पर कि भिक्षुकों के रुकने का स्थान रहे, और NGOs को बुलाया था जो लोग वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में। तो कई NGOs सहमत हुए हैं कि उनको भिक्षुकों के आइडेंटिफाई करके उनको उस केंद्र में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ NGOs तैयार हुए हैं कि वहाँ जो पुरुष और वृद्ध जो महिलाएं जाएंगी भिक्षुक कैटेगरी की, उनकी केयर करने के लिए, और फिर उनको फर्दर अरविंदो अस्पताल उनका मेडिकल चिकित्सक करेगा। 7 दिन रखेंगे उनको वहाँ पर, उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, नए कपड़े पहनाएंगे, खाना खिलाएंगे, दवाई वाई जो देनी है वो देंगे उनको। अगर कोई नशे में आदि है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे कपड़े और सब करके, क्योंकि उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ेगा, रह नहीं पाएगा वहाँ पर। इसी दौरान अगर इस प्रकार का कोई नेटवर्क आता है, जो बच्चों के चौराहों पे जो शिकायत आ रही है कि बच्चे आते हैं और वहाँ कई सामान छीन के भी गाड़ियों से भागे हैं, इस तरह की शिकायतें भी आई हैं, उस तरह का नेटवर्क पकड़ में आता है तो वो भी NGOs को बोला है कि इस तरह का नेटवर्क पकड़ें, ताकि उस तरह पर दूसरी तरह की कार्रवाई होगी, फिर उनको संवेदनशीलता से न करके कठोरता से उनमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस सब के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, चलेगी, लंबी है, इस लगभग साल भर तक इसको निरंतर चला के रखना पड़ेगा, तभी जाकर की चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी अभी काफ़ी सब कई महीनों तक। उसकी आज एक प्रारंभिक थी कि किस प्रकार से भिक्षु मुक्त शहर का मामला जो है किस प्रकार से उसको करना है, और नगर निगम इसमें कार्य शुरू करने वाला है इसमें।